दोस्तों आपने ना कई बार सुना होगा कि जैसे आपका दोस्त बाहर जाता है ना, दो महीने में बढ़िया से गाड़ी ले लेता है, उसका रीज़न क्या है? ये रीज़न मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे गाड़ियों की क्या प्राइस होती है वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, और मेरे पास जो गाड़ी है जो हाइब्रिड है उसके बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो अभी मैं पहले मेरी गाड़ी वो बाहर खड़ी है, वहाँ पे जो देखिए वो कोरोला पड़ी है, वो मेरी कार है, उसको मैं पहले अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि सीरी कब से मुझे परेशान कर रही है। सीरी आ जाए इधर, ये देखो मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है, तो मैं गाड़ी पहले लेके आता हूँ अंदर। चल सीरी गाड़ी लेके आते, वेट वेट नो वेट विद मी, ओके विद मी, कम कम, वी आर गोइंग टू कार। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर डॉग बाहर चला गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। सीरी वेट नो नो वेट, ओके जंप गो जंप, गुड गॉड। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने कार बार की ना, तो उस कार के लिए आपको वॉक करवाना पड़ता है, उसका मतलब ये हो कि हर साल में एक बार आपको उसको गैराज में लेके जाना पड़ेगा, गाड़ी को दिखाना पड़ेगा, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत होगी तो उसको ठीक करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप गाड़ी को रोड पे चला सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आपका वॉक हो जाएगा ना, उसके बाद आपके पास ये सर्टिफिकेट आएगा, जिसे बोलते वॉक का मतलब ये होता है कि वारंट ऑफ फिटनेस, बट ये मेरी कार है ना वो कॉमर्शियल के लिए यूज़ होती है, तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये अक्टूबर में फिनिश हुआ है, यानी कि अभी मुझे फिर से करवाना पड़ेगा। 2022 अक्टूबर में किया था, अभी मैं फिर से करवाने जाने वाला हूँ। तो जैसे भी कोई भी दिक्कत होती है ना, तो आपको उसको फिक्स करना ही पड़ता है। सिरे वो सीरी बाहर चली गई, सीरी आजा आजा गो। तो इंडिया में हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जो जिस कार में बैटरी होती है, गाड़ी को खड़ी रखी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर एक्सेलेटर छोड़ा तो फिर से चालू हो जाएगी, ऐसा मानते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि अंदर इंजन भी होता है और मोटर भी होती है। तो जैसे कि ये जो मेरी कार है ना, इसके अंदर मोटर भी है, यहाँ पे सीट के नीचे एक मोटर है, तो जब गाड़ी धीरे धीरे चलती होती है ना तब वो मोटर पे चलती है, और जब गाड़ी फास्ट चल रही होती है ना तब वो इंजन पे चलती है। तो मैं अभी दिखाता हूँ, गाड़ी की एवरेज बहुत ही बढ़िया होती है, तो जैसे कि अभी कितनी है टंकी, और जैसे अभी गाड़ी चालू है बट वो आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी चालू है, कि अभी वो इंजन पे होती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अभी देखो आवाज़ आया, गाड़ी चालू हुई, तो अभी टंकी फुल है, तो 860 किलोमीटर चलेगी, 860 किलोमीटर चलेगी उसकी टंकी जो है ना, वो 32 समथिंग लीटर की है, तो बहुत छोटी टंकी है, और एवरेज भी बहुत ही बढ़िया देती है गाड़ी। कोरोला एक्जियो इसका नाम है, मैं दिखाता हूँ पीछे। फिर चल आजा बाहर, सिरे सिरे हियर वेट वेट घूम गए, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, ये लिखा है यहाँ पर हाइब्रिड, धूप में दिखाई दिया पता नहीं, हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव, और ये है कोरोला एक्सियो, और ये जो गाड़ी है ना वो कितने की आई थी वो प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसमें क्लिप डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली गाड़ी कितने की आती है।